राजधानी दुख पलटि गाड़कण बा सैनिक स्कूल पाखरे डंपिंग यार्ड ता डंपिंग यार्ड हटिबा पाई आमे जो सत्याग्रह आरंभ होइतला आज 18 दिन रे पहुंची 18 दिन भीतरे बहु शुभेच्छु भुवनेश्वर को भल पाउथिबा बहु छात्र युवक महिला आसी एठी बसिकी जाइचंती आमको उत्साहित करचंती मध्य केवल भारतीय जनता पार्टी ए लड़ई नुहे ए लड़ई सारा भुवनेश्वर वासींकर एक कथा मध्य आमको सूचेइचंती किंतु दुख एवं दुर्भाग्यर विषय जो डिपार्टमेंट रो काम म्युनिसिपालिटी रो ना जणे ऑफिसर ना कमिश्नर ना मेयर ना सरकार ए सरकार कौनसी पदपदवी ऑफिसर हुवंतु मंत्री हुवंतु देखा मिलला ना दुर्भाग्य भुवनेश्वर वासींकर एते बड़ दुख तांका पई हेची किंतु ऑफिसर माने बा सरकार 24 वर्ष सरकार सरकार लोक केही ए पर्यंत पहुंचिले नाही ता सत्वे आमे भारतीय जनता पार्टी रो कार्यकर्ता माने ए सत्याग्रह को चलई के रखिचु ए सत्याग्रह होउची भुवनेश्वर वासींक पई तेनु ए आमुकु जेते कष्ट हो जहां हो भुवनेश्वर वासींकर कष्ट पई कष्ट को लाघव करिबा पई ए सत्याग्रह चलिबो जे पर्यंत एठु ए ओलिया गदा बा डंपिंग यार्ड संपूर्ण न हटिचि कोनोसी प्रतिश्रुति मध्य दबाकु बा आम संगे आलोचना करिया पई मध्य केही आसी नहंती तेणु एहाकु आहुरी त्वरान्वित करिया पई आहुरी अधिका क्रियाशील करिबा पई अधिका लोकंकु आधेरे शामिल करिबा पई आजि आम ए टीम तरफरु लिफलेट माध्यम रे महिला मोर्चा द्वारा लिफलेट माध्यम रे समस्त घर घर को जिबे लिफलेट देबे एवं प्रचार गाड़ी विभिन्न छकरे प्रचार गाड़ी रे समस्तिंकी सूचना दिया जिबो एवं यार क्षति कौन से विषय रे मध्य विस्तृत भाव रे बुझा जिबो आमर जे नेता अछंती दिलीप महंती एवं जगन्नाथ प्रधान मध्य एठी उपस्थित अछंती समस्तंकर मिलित सहयोग रे ए कार्यक्रम आज आरंभ होला निश्चित भाव में भुवनेश्वर वासींकर समस्या जेते बेले जो समस्या हो भारतीय जनता पार्टी एवं भुवनेश्वर वासींकर जेते बेले जो समस्या आसीबो निश्चित भाव में मुहबी उत्तर हो मध्य हो एकाम्र हो दिलीप महंती जगन्नाथ प्रधान मु आम पूरा टीम तांकर साथी रे रहिबा पई चेष्टा करिबु तांकर दुख लाघव करिबा पई चेष्टा करिबु ए जो गोटे बड़ दुख भुवनेश्वर वासींक पई पड़ी निश्चित भाव रे आम समस्तंकर मिलित साहाज्य सहयोग एवं मिलित उद्यम रे ए दुख दूर हो बोली हम आशा कर भारतीय जनता पार्टी एक दायित्व संपन्न राजनैतिक दल जेते बड़े भुवनेश्वर वासींकर स्वास्थ्य विपद रे स्वास्थ्य सुरक्षित नाही सेत भारतीय जनता पार्टी नीतिगत निष्पत्ति नहींक्री राजस्तार बसी सत्याग्रह करग्रह आज 18 दिन पहुंचला भारतीय जनता पार्टी निष्पत्ति जो पर्यंत दायित्व राजनैतिक दल ये कथा को ये कथापी निष्पत्ति नहीं ना लोकों समस्या समाधान कर लोकंकु सुरक्षित पानी पवन जोगेनी से पर्यंत भारतीय जनता पार्टी राजरास्तार बसिबो 18 दिन हला आगुकु मध्य बसिबु जेतेबोल जाय एटिकार विधायक माने एटिकार मेयर महाशय स्पष्ट करिनांती जे लोकंक स्वास्थ्य सुरक्षित एटी जलवायु प्रदूषण मुक्त एवं पानीय जल मध्य पीवा उपयुक्त से पर्यंत आंदोलन चलिबो आज आरंभ होला से क्रम में प्रचार पत्र हला प्रचार गाड़ी हला उद्देश्य होची भुवनेश्वर वासी पाखकु घर को घर जीवु माँ मन पाखकु जीवु एवं स्वास्थ्य संपर्क में जो संगीन अवस्था पहुंची एटी पानी पवन प्रदूषित पवन प्रदूषित पानी ये संपर्क में कहू ये हूँ आम नैतिक दायित्व पिला छुआ सुरक्षित नहांती परिवार सुरक्षित नुहंती दूषित जलवायु जो दुर्गंध होची ये जलवायु दूषित होची निश्वास प्रश्वास रे कैंसर पर्यंत लोक एटी चिन्हट हो सारे पीड़ित हो सारे श्वास जनित रोग छोट पिला मानको चर्म रोग
ବୟସ୍କ ମାନେ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ହି କଥା। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ମିଛ ସତ କହିକିରି ଭୋଟ ହାତେଇକିରି ସରକାର କରିଥିଲେ, ବିଏମ୍ସିରେ ମେୟର ଏକଥା କହିକିରି ଗୋଲାପି ଗପ ଗପିକିରି ଭୋଟ ନେଇଥିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପାପରେ ସାମିଲ। ତେଣୁ ବିଧାୟକମାନେ ଏ କଥାରୁ ମୁକୁଳିବେନି, ଏହାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭୋଟ ନେଇଛନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ବୋଲି କହିକିରି ଏବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେମିତି ହେବ? ତେଣୁ ଏଠି ବିଧାୟକମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳବାୟୁ କାହିଁକି କଲ? କାହିଁକି ଅଳିଆର ଆବର୍ଜନାର ପାହାଡ଼ ତିଆରି କଲ? ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକ ଏଠି ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଲେଣି। ରାଜଧାନୀ ଭଳି ସହର, ଟାଙ୍ଗିରା ସହର, ଟାଙ୍ଗି ସହର, ଆପେ ଜଳ ପାଣି ଗଡ଼ି ବର୍ଷା ପାଣି ଗଡ଼ିଯାଏ, ସୁନ୍ଦର ସହର, ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ କରିଥିଲେ। ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାର କେନ୍ଦ୍ର ରାଜଧାନୀ ସହର, ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଗନ୍ଧିଆ କଲ? ଲୋକ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବାକୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି, ରୋଗ ବାଣ୍ଟିଲ, ଏଠି ଲୋକମାନେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେଣି, ଦାୟିତ୍ୱ କେହି ନେବନି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଆମେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଆକୁ ଶେଷ ସଂଗ୍ରାମ, ଶେଷ ଲଢ଼େଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିବୁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିବ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜଧାନୀବାସୀ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଯେବେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବେ ଏବଂ ସ୍ୱଷ୍ଟ କରିବେ ସରକାର ଏ ଜଳବାୟୁ ଉପଯୋଗ, ପିଆ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ, ଜଳବାୟୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନୁହେଁ, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟାଗ୍ରହରୁ ଓହରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।